चाचा चौधरी और महंगा साबू। एक दिन चौखट राम ने चाचा चौधरी से पूछा, इतना बड़ा आदमी कहाँ से लाए? साबू आदमी नहीं, जिन है। एक दिन हमें घर के कबाड़ खाने से ये चिराग मिला, चिराग को रगड़ने से ये साबू प्रकट हुआ। देखो अभी ये इसमें वापस जाएगा। साबू चिराग में जाओ। जो हुकुम मेरे आका। और साबू धुआं बनकर वापस चिराग में समा जाता है। देखा चौखट, सचमुच अजीब चीज है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। चाचा चौधरी के जाने के बाद, अगर मैं इसे लेकर खिसक जाऊँ तो मेरे बच्चे साबू को देखकर बड़े खुश होंगे। और चौखट उस चिराग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यही मौका है, भागो। चाचा चौधरी चाय लेकर आए। अरे चौखट कहाँ गया? चिराग गायब है, हाय साबू को चुरा लिया। फिक्र ना करो भगवान, वो खुद चिराग लौटाने आएगा। चौखट घर पहुंचा। टिंकू रिंकी, देखो तुम्हारे लिए अजीब खिलौना। चौखट ने चिराग रगड़ा और साबू प्रकट हुआ। देखो कितना बड़ा आदमी। साबू के बच्चे नाच जल्दी। जो हुक्म मेरे आका, पर मुझे भूख लगी है, खाने को दो 2000 पूड़िया, 1 क्विंटल हलवा, 1 ड्रम दाल, रायता 1 ड्रम। ये सुनकर चौखट राम अपने कान पकड़ लेता है। बस बस, तुम तो बड़े महंगे जीव हो, मुझ पर रहम करो और चिराग में वापस लौट जाओ। मेरी तौबा। ठीक है। और साबू वापस चिराग में समा जाता है। चौखट राम दौड़ता हुआ चाचा चौधरी के घर वापस आता है। चाचा जी संभालो इसे, ये तो मेरा एक दिन में ही दिवाला निकाल देगा। मुझे पता था चौखट राम, तू वापस आएगा। साबू को रखना तेरे बस में नहीं।